हेलो सर, नमस्ते, कैसे हो सर? बस ठीक है प्रदीप भैया, आप बोलो कैसे? कैसे पसीने में हो रखे हो? ये धूप ज़्यादा गिर रही इधर। धूप ज़्यादा? जी मेरे को लगता है बरसात हुई एक दो दिन पहले, उसकी वजह से उमस ज़्यादा हो गई। हाँ, उसकी वजह से हुआ सब। तो सर कितने क्या घोड़े वगैरह लिया है? मैं दो घोड़े लेके आया हूँ, एक घोड़ी एक घोड़ा। एक घोड़ी और एक घोड़ा जी, जोड़ा लिया है। तो सर अगर बात करें तो सबसे पहले अपना नाम बताओ और आप कहाँ से आए? मेरा नाम मुकुंद भावसार है, मैं प्रॉपर महाराष्ट्र धुले से हूँ। धुले से? जी, यहाँ से 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है। तो सर कितने दो घोड़ा घोड़ी लेके आए हो? जी। तो अगर हम बात करें इस घोड़े की, तो इस घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम प्रताप है। प्रताप जी। और प्रताप का बाप कौन है सर? ये दिलबाग रानिया का पोता। दिलबाग रानिया का पोता? दिलराज का बच्चा। दिलराज का बच्चा? दिलराज अभी खड़ा है जसर जी के पास, लुधियाना में, सुखवीर जसर जी के। जी जी जी। और हाइट में कितना होगा सर? ये हाइट में 62 के ऊपर जा रहा है, पर किसकी गिनने की टेक्निक अलग रहती, तो मैं 62 ही बोल रहा हूँ सबको। 62 जी। बाकी मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में सर पे एक फूल है उसके, और पीछे का बाया पैर एक सफ़ेद है। बाया पैर सफ़ेद है। और अगर सर माँ की बात करें इसकी? इसकी माँ गंगा है। गंगा जो कि राजशेखर वाले घोड़े की बच्ची है। ओके। और वो खड़ी है रणदीप सिंह ब्राड के फार्म के ऊपर गंगानगर में। गंगानगर में जी। तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये? इसको मेरे को हो गए 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। बच्चा ही लिया था आपने? जी बच्चे लिए थे मैंने। कितनी उम्र में ले लिया था? 12-13 महीने का बच्चा लिया था मैंने। 12-13 महीने का। तो अभी बेचने के हिसाब से लाए हो कि दिखाने के हिसाब से? बेचने का तो है, पर कोई आ गया अच्छी पार्टी दे देंगे। दे देंगे हाँ, नहीं तो फिर। क्या रेट ऑफर कर रहे हो सर अभी? रेट तो अभी मौके पे करेंगे आप। मौके पे ही करेंगे। बाकी नाम इसका प्रताप है जी। ओके। और ये सर बच्ची की बात करें तो? ये घोड़ी है। घोड़ी है जी। ये अभी धनु, ये 7.5-8 साल की घोड़ी है। 8 साल की? हाँ। क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम वैसे नाम रखा नहीं है, पर मेरा जो छोटा लड़का है उसको काजू करके बोला था। काजू? काजू काजू। अच्छा। काजू हाइट में कितनी है? ये 61 के ऊपर है। 61 से ऊपर है जी। और इसके बाप वगैरह की कोई डिटेल है क्या? ये मैंने जिससे खरीदी उसने मेरे को हरग्यू की बच्ची बोल के दिया है। हरगू की? हरग्यू हरग्यू। अच्छा हाँ, पर बाकी मैं इसको अननोन ही समझता हूँ। तो अभी प्रेग्नेंट है किसी से? जी ये प्रताप से प्रेग्नेंट है। ओके। अभी इसको 4 तारीख से 9वां महीना चालू हुआ है। तो कितने का बच्चे दे चुकी है सर ये? पहले जिसके पास थी उसके पास एक बच्चा दिया था उसने नुकरा। हाँ हाँ। और अभी मेरे पास सेकंड टाइम है इसका। आपका सेकंड टाइम है जी। भाई सर कलर में बात करें तो कलर में क्या है ये? ये संजाब में आती। अच्छा, संजाब में आ जाती। हाँ। तो सर मंडी कैसी चल रही है इस बार? मंडी तो देखो कुछ मजा नहीं मंडी में, अभी तेल निकला पड़ा है मंडी का। जी 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 है? जी। क्या कारण मानते हो सर? कारण ऐसा भी ये लॉकडाउन की वजह से सब ठंडे गिर गए। लॉकडाउन की वजह से हुआ है सब। तो जिनके पास ऑलरेडी घोड़े है वो तो घोड़े नहीं खरीद रहे। यानी घोड़े तो है पर लेने वाला नहीं। और जिन लॉकडाउन की वजह से पीछे जो शादी बारात के जो घोड़े बेचे जा रहे थे वो बेचे नहीं गए, और ऑलरेडी जिनके पास घोड़े है वो तो खरीद नहीं रहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जी। मंडी में घोड़े हैं पर ग्राहक नहीं। ग्राहक नहीं। अब ग्राहक कहाँ से लाए जाए बताओ। और मेन बात इशू ऐसा हो गया कि ब्लड लाइन की वजह से सब अभी जो शादी बारात वाले लोग बोलते हैं नुकरा भी ब्लड लाइन का चाहिए उनको। अभी नुकरा भी ब्लड लाइन का चाहिए? सब ब्रांडेड पे आ गए। ब्रांडेड पे आ गए सब। तो अगर सब ब्रांडेड पे आ गए तो मेरे को लगे लोकल वाले को क्या होगा फिर? देखो अभी क्या है लोकल वाले इस हिसाब से, तो आने वाले टाइम में मेरे को लगे व्यापारी खत्म हो जाना। नहीं वो तो, या फिर व्यापारी को ब्रांडेड रखना पड़ेगा। हाँ नहीं, व्यापारी तो वैसे ब्रांडेड चीज लाते हैं। हाँ। पर रेट की वजह से थोड़ा कम ज्यादा हो जाता, पर ये झूठ ज्यादा भूल जाते हैं। तो आदमी क्या भरोसा करना बंद कर दिया आजकल। वही बात है, बच्चे पे तो आदमी भरोसा कर लेगा, 1 लाख से अंदर का माल रहता है। 3-4 लाख रुपए का कोई घोड़ा लेगा तो फिर उसका तो तेल निकल जाएगा। झूठ बोलने वाला सौदा थोड़ी करेगा, क्योंकि व्यापारी तो हर बच्चे को बताता 66 से नीचे तो जाता ही नहीं व्यापारी का बच्चा। वो तो है। तो क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम मुकुंद भावसार।